ये किसने लिखा है गाना? क्यों कोई प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम नहीं। इतने दिनों बाद कोई ऐसा गाना पड़ा है डीके, दिल को छू गया है यार। बताओ ना कौन है, किस कौन है कलाकार? अरे एवं सा लिरिक्स राइटर है, कभी कभी अच्छे गाने लिख देता है, लेकिन उसे कोई नहीं जानता। तो जानना चाहिए डीके, क्या नाम है? अरे उसे छोड़ो ना सिकंदर, वैसे भी दुनिया में लिखने वालों की नहीं दिखने वालों की कदर होती है। आप अपने आने वाली सक्सेस की खुशी में मेरे साथ एक एक लगा लो। नहीं ये नहीं ठीक है, मैं घर जाना है। वो तेवर के वैसे ही बड़े मिस कॉल थे, वो रिकॉर्डिंग में मैं उठा ही नहीं पाया, तो उठा नहीं रहा पता नहीं फोन। तुम्हें फोन तो नहीं है तेवर का? नहीं तो पता नहीं, फोन नहीं लग रहा है। मैं चलता हूँ ठीक है। ओके अच्छा रहा, चला गुड जॉब, थैंक यू, बाय बाय बाय। हाँ बोलो ठीक है। टोनी सर, सिकंदर ने क्या गाना गाया है, गारंटीड सुपर हिट। मैं तो कहता हूँ जैसे ही लोग ये गाना सुनेंगे ना, उनकी आंखों से आंसू रुकने वाले नहीं है सर। दैट्स गुड, लेकिन बात यहाँ बहुत हो गई, अब फौरन ये गाना इंटरनेट पर चढ़ा दो। और ये इस तरह होना चाहिए कि रातों रात ये गाना लोगों की जुबान पर चढ़ जाए, समझ रहे हो ना? समझ गया सर, हो जाएगा। ठीक है, उस सतयुग था जब कृष्ण और सुदामा दोस्त हुआ करते थे, लेकिन इस युग का सुदामा तो यही मानता है कि उस युग में दोस्त ही साथ देता था और इस युग में दोस्त ही मात देता है। क्या चल राम राम? राम राम सर। तेवर साहब है घर पे, बाहर गए? आपको पता नहीं है साहब? क्या साहब, यहाँ बहुत बड़ा तमाशा हो गया था, उनके साथ बड़ा बुरा हुआ। अरे तेवर साहब का तो दीवाला निकल गया। कहाँ है तेवर? अरे साहब वहाँ ताला लगा हुआ है। भाई ये कब हुआ ये सब? दोपहर में। कहाँ गए? पता नहीं कहाँ गए। जान दो ना, काफी तक नहीं लग रहा है फोन। अकड़ बकड़ सारे साथ में क्या? वो पता नहीं मुझे साहब। बताया क्यों नहीं मुझे, फोन क्यों नहीं किया? साहब मुझे लगा कि मैडम जी ने आपको बता दिया होगा। सिक्का, अरे रुक, ये सिक्के को क्या हुआ? पहले पहले टिफिकल को लेके कहाँ गए होंगे मामू? से हमें क्या फर्क पड़ता है बेबी? हाँ अब वो चले गए हैं, ये हमारे लिए गिफ्ट है ना, हमारे तो अच्छा है ना। अब वो हमारी लाइफ ओवर नहीं कर सकते, तो वो कहीं भी जाए कुछ भी करे, से हमें क्या है ना। चल लवली, लवली हमारा गो टू रूम, गो टू रूम लवली, स्ट्रेट टू रूम, गो नाउ लवली। चिल चिल चिल, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो, हुआ क्या है? हुआ क्या, इतनी बड़ी बात होगी तुमने मुझे बताया नहीं लवली। कुलफीर तेवर घर छोड़ के चले गए, तुमने फोन क्यों नहीं किया मुझे? रिकॉर्डिंग में मेरा फोन कभी उठाया है तुमने? लवली जैसे तुमने पहले कभी स्टूडियो फोन के लिए रिकॉर्डिंग रुकवाई नहीं मेरी, बेहुदा से बेहुदा बातें फोन करके मेरी रिकॉर्डिंग रुकवाई, तुमने आज क्यों फोन किया मुझे? तुम अच्छी तरह से जानते हो तो मुझे बता सकती थी लवली। सिकंदर अगर तेवर अपना EMI नहीं भर पा रहा है, अगर कर्जे में डूबा हुआ है, कंगाल हो गया है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम है, वो दोनों मेरी जिम्मेदारी है। प्रॉब्लम गुड्डू था, तुमने उसको छोड़ दिया। तेवर मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, वो मेरी उसकी परेशानी मेरी परेशानी हो रहेगी। दोस्त है तुम्हारा? ये कैसा दोस्त है जो इतनी परेशानी हो गई, इतनी बड़ी बात हो गई, तुम्हारे पास आया तक नहीं, ये कैसी दोस्ती है? उसने मुझे फोन किया था लवली, मैं रिकॉर्डिंग में तो उठा नहीं पाया। लेट मी गेस, अब वो तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा होगा, है ना? नहीं उठा रहा तुम्हारा फोन, बताओ क्यों नहीं उठा रहा? तुम तेवर के और कुछ नहीं लगते सिकंदर, सिवाय उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के पति। कोई दोस्त वोस्त नहीं हो तुम उसके? मैं कब से तुम्हें बोलने की कोशिश कर रही हूँ, या सिर्फ हमें बर्बाद करने आया था, हमें अलग करने, हमारे रिश्ते को तोड़ने आया वो सिकंदर, और वो कर तो रहा है ना। देखो हमें वो तो चला गया हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए, और हम लड़ रहे झगड़ रहे, हो गए ना बर्बाद। देखो क्या बोला तुमने, हमें
हमेशा के लिए चला गया मतलब? हमेशा के लिए मतलब क्या होता है? हमेशा के लिए चला गया मतलब क्या लवली? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके बीच में तुम्हारा हाथ है लवली? लवली अपनी ना अपनी गंदी हरकतों से बाज आ जा तुम। अरे पहले स्कूल फी की जिंदगी जन्म बना रखी तुमने और अब ये भी चाहती क्या हो? सिक्का ये सब छोड़, जाके तेवर और कुल्फी को ढूंढ, कहीं से भी कैसे मैं उन्हें ढूंढ कर ला बेटा। जा बेबे तू टेंशन ना ले, मैं उनको ढूंढ के लाऊंगा किसी भी हालत में। वो तो होगा, ढूंढूंगा तो मैं उनको जरूर। वो तेरे नाल गल होना, मैनू फोन करी तू, मैं जा रहा हूं। तू जा। हमारा एक दोस्त यहीं पास में रहता है, हम उसको फोन करते हैं, अगर बात हो गई तो एक दो दिन उसके घर पे ही रह जाएंगे, फिर आगे का इंतजाम देख लेंगे। ठीक है, हमारा फोन लगता है हमारा फोन टेम्पो के पास ही गिर गया है। बेटिया आप कहीं मत जाइएगा, हम ढूंढ के आते हैं, ठीक है ना? कहीं मत जाइएगा आप प्लीज। अभी पापा बहुत परेशान है बिल्लू, जब हम दिनों कहीं पहुंच जाएंगे ना तब आराम से बताओगे क्या स्कूल में क्या क्या हुआ था। वाले चाची ने फिर पैसे क्यों दिए? तू भिखारी नहीं पागल जरूर है, मतलब भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे भलाई कर रहे हो तुम, भलाई कर रहे हो। छोड़ छोड़ छोड़। बाबा किधर आओ, बैठो बैठो बाबा। कोई गल नहीं बाबा, पर बिटिया वो आपको भिखारी समझ, भिखारी हमारी बिटिया। कद्दू ना भोली को चिराने के लिए उसे भैंसी भैंसी कहता रहता था और भोली भोली रोती रहती थी। बाबा ने एक दिन भोली को चुप कराते हुए कहा, कद्दू ने बोला तो तू लड़की से भैंसी हो गई। लेकिन बिटिया वो अगर उन चाचू ने बोल दिया तो क्या हम भिखारे हो गए बाबा? पर बिटिया वो परवल कुछ नहीं बाबा, टिड्डे खाओ टिड्डे और पलट कर। आपका फोन मिला? नहीं मिला। फोन भी लगता है ना कि टेम्पो में छूट गया। काटो ना और काटो, काटो और काटो महादेव। इसमें थूकिए। थूको बाबा, अभी के अभी अपना सारा गुस्सा इसमें थूक दीजिए। हमारा सब कुछ चला गया है बिटिया, सब कुछ, फिर भी आप खुश हो? कैसे? हाँ जी, सब कुछ कैसे छिन गया? मैंने ना अपनी सबसे कीमती चीजें छुपा के रखी है। कहाँ? यहाँ, यहाँ माँ की हंसी है, पापा की बातें हैं, टिड्डा कद्दू भोली के साथ खेली किकली है, सिकंदर जी के सिखाए सबक है, और आप हो। और इतनी सारी खुशी है। जितनी बार भी मन भारी भारी होते मैं अंदर से थोड़ी सी खुशी निकाल लेती हूँ, और पता है जब मैं हंसती हूँ ना तो अंदर वाली खुशी फिर से पूरी हो जाती है, वो कभी कम नहीं होती। आप भी करके देखो, बड़ा मजा आएगा बाबा। करो करो ना, करो करो करो। वादा करो ना बाबा, आप
भी अपने अंदर की खुशी किसी को नहीं छीनने दोगे। वादा करो, करो वादा। वादा करते हैं बिटिया, वादा करते हैं। चंगा जी, फिर चलें।